द वी एक्रॉस सुक डाउन ऑन मी द डस्ट फ्लोर फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. पोएम नंबर वन क्लास टेन फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट एंड पोएम नंबर वन डस्ट ऑफ अ स्नो. दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एन अमेरिकन पोएट हु इज पॉपुलरली नोन एज द नेचर पोएट. वर्क दसम पोएम नंबर वन जो कि डस्ट ऑफ स्नो जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, आज उसका हम सभी एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा अध्ययन करने का प्रयास करते हैं. तो स्टार्टिंग इस प्रकार से है पोएम. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री का वर्णन किया गया है. तो आज मैं हेमलॉक ट्री के पास ही हूँ, अने धोथुरे का पेड़. अब देख सकते हैं दिस इज़ फ्लावर. इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करें. ये जो है धोथुरे का फूल है. धोथुरे का ये जो देख सकते हैं ये आपका हेमलॉक ट्री का जो फ्लावर्स होता है, फिश इज वेरी ऑफ पॉइजनस. ये बहुत पॉइजनस होता है. ये हेमलॉक ट्री ही है जहाँ पे मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ. तो पहला देखते हैं, फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम इज़ अबाउट दिस. द वे या क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. यानी वह तरीका, वह माध्यम जिसके माध्यम से कौवे ने धथुरे के पेड़ से बर्फ़ के छोटे छोटे कणों को गिराया. नेक्स्ट स्टैंजा इज लाइक दिस. हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइट. तो कहानी का सारांश जो समरी है इस प्रकार से है कि दिस इज़ अ हेमलॉक ट्री इन विच या बर्ड दैट इज़ क्रो वॉज सिटिंग. ध्यान देंगे, एक धथुरे का पेड़ है जहाँ पर बर्फ़ के छोटे छोटे कण इसमें लगे हुए हैं और कौवे जिसको हम लोग क्रो कहते हैं इस पर बैठी हुई है. द पोएट वॉज अंडर द हेमलॉक ट्री. जो पोएट है वह इस पेड़ के नीचे खड़ा है. ही वॉज थिंकिंग अबाउट द डे, हाउ द डे विल पास एंड ही वॉज इन ए फिक्स. सर्टनली द क्रो सुक डाउन ऑन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. और इसी बीच में कौवे पर बैठे हुए जो हेमलॉक ट्री पर बैठे हुए कौवे हैं ने खरोंच लगाकर बर्फ़ के छोटे छोटे कणों को गिरा दिया. इसकी वजह से जो बर्फ़ के छोटे छोटे कण पोएट्स के मूड पर गिरते हैं उन पर, इनसे उनकी अवस्था जो उनकी सोच होती है बदल जाती है. हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, यानी उनकी जो सोच थी, जो अवस्था थी, उसमें परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूट. और लेखक के अनुसार से जो समय बर्बाद हो रहा था और समय बर्बाद होने से बच जाता है. तो आइए एक बार पूरा पोएम को रिपीट कर लेते हैं. आई हैव नो नोट्स बट फ्रॉम माई मेमोरी आई एम रिकॉलिंग एंड रिपीटिंग इट. द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट. थैंक यू वेरी मच. सी यू अगेन सुन. थैंक यू.